हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फूडीफाई द ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी और फेमस नमकीन का रिव्यू, दालमोठ नमकीन बाय पंक्षी ब्रांड। वर्ल्ड वाइड फेमस पंक्षी ब्रांड ना ही केवल अपने पेठा के लिए जाना जाता है, बल्कि इनके नमकीन भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि दालमोठ नमकीन बाय पंक्षी ब्रांड दिखने में कैसा है, स्वादिष्ट कितना है और पैकेट में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फूडीफाई दी ऑफिशियल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर आए उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आज हमारे पास है फूड रिव्यू में पंक्षी ब्रांड का दालमोठ नमकीन। पंक्षी ब्रांड जो कि वर्ल्ड फेमस है अपने पेठों के लिए। जी हाँ, हम आगरा जाएं और पंक्षी ब्रांड का पेठा ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। उसी ब्रांड का है ये दालमोठ नमकीन और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने इसे कई बार टेस्ट कर रखा है, इस बार मैं आपके लिए इसको लेकर आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये नमकीन के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। और आपको बता दूँ, सच में जितना टेस्टी इनके पेठे होते हैं ना, मीठे में नमकीन में दालमोठ होते हैं। बाकी बहुत सारे नमकीन आते हैं इनके, लेकिन दालमोठ उसमें सबसे बेस्ट होता है। तो आइए ओपन करते हैं, देखते हैं कि इस पैकेट के अंदर में क्या क्या है। उससे पहले चेक कर लेते हैं कि इसके डब्बे कैसे हैं और इसके डब्बों में पीछे में पैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है। काफ़ी हार्ड कार्डबोर्ड का बना हुआ, जैसा कि आपका होता है ना पेठों के डब्बे, बिल्कुल वैसे ही बनाए हुए हैं। सामने में कंपनी का ब्रांड है, लोगो है, नाम है, मिक्सर की फ़ोटो है। साइड में इन्होंने दिया हुआ है क्या क्या इसके अंदर हैं। तो अच्छा, इंग्रेडिएंट्स यहीं पर दिए हुए हैं। मसूर दाल है, बेसन है, ऑयल है, सॉल्ट है, सिट्रिक एसिड है, स्पाइसेस है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। ओपन करेंगे तो काफ़ी कुछ मालूम चल पाएगा। इस साइड भी सेम ब्रांडिंग है, बाकी इस साइड में कंपनी ने अपने दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रखे हैं और अपने सेल रिपोर्ट्स दिए। जी हाँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि पंक्षी ब्रांड के बहुत सारे डुप्लीकेट्स आपको अवेलेबल होते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप हमेशा उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही लें जो कि आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, दिए हुए हैं। उनकी वेबसाइट पर भी दिया हुआ है पंक्षीपेठा.com पे, तो वहीं से लें, नकलियों से बचें, ओरिजिनल चीज़ खाएं। तो चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है। सबसे पहले तो ओपन करते हैं यहाँ से। ओके, अंदर में नमकीन। ओहो, तो अंदर में ज़्यादा डिटेल्स में लग रहा है बताया हुआ है। अंदर में लिखा हुआ है पंक्षी पेठा एंड नमकीन, वही सब जानकारियां हैं। खासकर ये अपने जितने भी यूनिट्स हैं ना, जहाँ जहाँ पे आपको ये इनके प्रोडक्ट्स मिल जा सकते हैं, उनकी जानकारियां इन्होंने दे रखी है। दिल्ली में भी इनके ब्रांचेस हैं, आगरा में तो हैं ही बिल्कुल। तो चलिए, ये सब तो आप देखते रहेंगे, बाकी हम इस पैकेट को ओपन करते हैं। पैकेट को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर में आपको क्या क्या दालमोठ में देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेव हैं और मसूर दाल हैं, ये बिल्कुल है दाल मोठ, दाल है और मोठ है, मोठ यानी कि आपकी सेव, इसी को मोठ कहा जाता है। बारीक हो या पतले हो, इसी को मोठ कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, और आप देख सकते हैं नमकीन दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, दाल मोठ बिल्कुल सेम और कुछ भी नहीं। दाल है, मसूर दाल है, मोठ बेसन के बने हुए हैं ये। और आप देख सकते हैं मसाले इसमें अच्छे से कोटेड किए हुए हैं, और कोई भी चीज़ नहीं है। अब इसको टेस्ट करने के बाद ही मालूम चलेगा ये कैसा है। खैर, मैंने इसको पहले भी टेस्ट कर रखा है, तो मैं आपको बताऊं ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, चटपटा है। जैसा नाम वैसा ही चीज़, दालमोठ नाम लिखा है तो दालमोठ ही है, और कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। मसूर दाल और मोठ बस, और मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से कोटेड किए हुए, नमकीन है, हल्का सा तीखापन आपको मिलेगा क्योंकि इसमें थोड़ा नम चिली भी होंगे, और जो आपके ब्लैक पेपर है ना उसका स्वाद बहुत अच्छे से आ रहा है इसमें। बाकी कंपनी ने एक चीज़ मैंने गौर किया कि डब्बे पे ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दे रखे हैं, जो कि आपको बाकी नॉर्मल जो आपको मिक्सचर्स के पैकेट पर मिलता है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स मिलते हैं, बाकी जो चीज़ें लोग नहीं देखते हैं, फिर भी इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बस बेसिक सा बताया हुआ था इसमें, और बेसिक सा क्या बताया था वही चीज़ें हैं इसके अंदर बस। तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, पंक्षी ब्रांड का है,
जो कि वर्ल्ड फेमस है अपने नमकीन और पेठों के लिए। मन करे कुछ चटपटा सा खाने का तो आप इस दाल मोठ को जरूर टेस्ट करिएगा। बाकी ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में उतने अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, आप चाहें तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इनके वेबसाइट से, या फिर अगर आप दिल्ली या आगरा साइड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको परचेज करिएगा, टेस्ट करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नमकीन कैसा लगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक एक लाइक हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लाने के लिए। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के साथ साथ सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फूडीफाई द ऑफिशियल के अगले वीडियो में। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, चैनल को यूं ही सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।